हिंदी के ख्यातिनाम समालोचक डॉक्टर राजन मिश्र और वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती आशा शुक्ला का मानना है कि हिंदी को अभी तक वह स्थान नहीं हासिल हो सका है जिसके वह वास्तव में अधिकारिणी है। हिंदी समारोह के मौके पर बालकों की ओर से प्रायोजित और कोरबा प्रेस क्लब की ओर से आयोजित इस परिचर्चा में विशिष्ट वक्ताओं के रूप में वे बोल रहे थे। विख्यात हिंदी समालोचक डॉक्टर राजेंद्र मिश्र और वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती आशा शुक्ला ने कोरबा प्रेस क्लब की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में हिंदी की स्थिति और उसके भविष्य पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हिंदी के पास लगभग 4,00,000 शब्दों का विशाल शब्द भंडार होते हुए भी आम व्यवहार में सिर्फ 4,000 शब्दों का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन संसार की रचना भाषा से, संसार की जो अवधारणा है वो अवधारणा भाषा हो, एक तरह से हम सबका जीना भाषा में जीना हो। हम भाषा में बोलते लेकिन जब चुप रहते हैं तो भाषा में ही सोचते रहते हैं। समाचार पत्रों में भी मैं महसूस करती हूँ मौन का भी एक भाषाई वृत्तांत है। पता नहीं कब से ये दुर्भाग्यपूर्ण बात भाषा के बारे में कही जाती रही कि भाषा एक माध्यम है। हिंदुस्तान में किसी भी जगह चले जाइए वो अंग्रेजी जाने न जाने जब खूब शराब पी लेता है वो अंग्रेजी है। अब चल क्या आप किसी प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं लेकिन आप सुख सान लेंगे और केवल वही उत्तर देंगे जो अधिकारी चाह रहे। इसी लोकतंत्र की शरीयत है और आपकी भी है कि 27 लोगों को भाषा संबंधी विवाद से कोई लेना नहीं। याद रखिए कि रास्ता जब मनुष्य के अवचेतन में चली जाती है। रायपुर की वरिष्ठ पत्रकार और कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती शुक्ला ने इस अवसर पर अपने विचार रखे। जो कुछ अंग्रेजी से मिलता था अपनी भाषा में बात हिंदी में बनाने की कोशिश ना पड़ी। श्रीमती शुक्ला ने आगे कहा कि बहुत सारे परिवर्तन देखे मैंने कि जब हिंदी के झंडा बरदार लोग हैं उन्होंने ही हिंदी का सबसे ज्यादा नुकसान किया या उसकी फजीलत की। भाषा को किस तरह से राजनीति में घसीटा गया और उसका एक जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें 1949 में राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित हुई। उसके बाद 60 में जब मैं खुद अपने कॉलेज के दिनों में थी तो भाषा को लेकर जो आंदोलन चला, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जो आंदोलन चला उसने इस भाषा को कहीं ना कहीं अवरोध भी प्रदान कर दिया। दक्षिण भारत के लोगों को लगने लगा या अहिंदी भाषी प्रांत के लोगों को लगने लगा क्योंकि हिंदी भाषा जो प्रांत कहे जाते हैं जैसे अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये भाषा के आधार पर इनका गठन नहीं हुआ, भाषा के आधार पर दूसरे राज्यों का गठन हुआ था। तो कहीं ना कहीं उन राज्यों को लगने लगा कि हिंदी जो है वो हम पर झंडा बरदार लोग थे, उन्होंने हिंदी को सरल जनसंपर्क की भाषा बनने से कहीं ना कहीं रोका टोका। उसके हिंदी के इतने कठिन कठिन शब्दों का इस्तेमाल होने लगा कि कई बार ऐसे लगने लगा कि ये तो आम आदमी की बोलचाल की भाषा नहीं है, जबकि हिंदी तो सारे आसपास की भाषाओं को लेकर एक संपर्क की भाषा बनने जा रही थी। हिंदी को, हिंदी पत्रकारिता को